टेक टू ड्रोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, दिस इज शिवा एंड यू आर वाचिंग टेक टू ड्रोन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैनासोनिक हाई डेफिनेशन वीडियो कैमरा, जिसका मॉडल नंबर है HCV180, इसका अनबॉक्सिंग और इसके कुछ फीचर्स। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये बॉक्स है इसका, और बॉक्स का सामने नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए कुछ फीचर्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसमें यहाँ पे है इसका फुल HD डिस्प्ले, मतलब कि इसमें आपको फुल HD रेजोल्यूशन में आप वीडियो शूट कर सकते हैं 1920x1080p, और इसमें जूम है 90x तक, यानी 50x है आपका ऑप्टिकल जूम और 90x है आपका इंटेलिजेंट जूम। फ्रेंच लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है, और इसमें आपको 5-axis हाइब्रिड स्टेबिलाइजेशन आपको मिलता है, ठीक है। 5-axis यानी पैन एक्सिस, टिल्ट एक्सिस, रोल एक्सिस एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो ये पांचों तरफ से आपको है जो स्टेबलाइजेशन आपको मिलता है। और यहाँ पे है इसका लेंस का साइज, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसका लेंस का साइज है 28mm। और बॉक्स का इस तरफ है कुछ, यहाँ पे ये बारकोड, ये सब यहाँ पे है पीछे की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये इंफॉर्मेशन इज फॉर मैक्सिको, मतलब कि ये फ्रेंच लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका कुछ एक्सेसरीज जो आप मार्केट में खरीद सकते हैं, तो उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कि इसका कैरी केस, बैटरी पैक, बैटरी चार्जर, और यहाँ पे है रिमोट पैन टिल्ट क्रेडल, और यहाँ पे है वीडियो कैमरा माउंट, और फिर यहाँ पे सक्शन कप माउंट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, बॉक्स को ओपन करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने ये कहाँ से ख़रीदा और इसका कितना प्राइस है। दोस्तों, इस कैमरा का जो प्राइस है वो है 16,000 रुपीज़, और इसका मेमोरी कार्ड और बैग अगर आप लेते हैं तो उसके लिए 1,000 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ता है उसके साथ। और फ्लिपकार्ट में भी इसका प्राइस वैसा ही है, फ्लिपकार्ट में इसका प्राइस है 17,000, और अमेज़न में इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, जो कि 21,000 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 21,500। दोस्तों, मैंने ये कोलकाता का ओपन मार्केट से ख़रीदा है। तो दोस्तों, बॉक्स को ओपन करते हैं। दोस्तों, ये है कैमरा, जो है मेन यूनिट, तो ये है इसका चार्जिंग केबल, और ये है इसका चार्जर। तो इसको कनेक्शन करके आपको यहाँ से इसे चार्ज करना है। और दोस्तों, यहाँ पे है इसका HDMI केबल, जिससे कि आप इसे TV या लैपटॉप में कनेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पे इसका डेटा ट्रांसफ़र केबल, जिससे कि आप इसे इसका डेटा आप कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी इस कैमरे को देख लेते हैं अभी बाहर से। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पैनासोनिक की ब्रांडिंग है, यहाँ पे है फुल HD, और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 5-axis हाइब्रिड OIS। और दोस्तों, इसका जो लेंस है वो है 28mm, लेकिन ये काम करता है 35mm के तरह। इसका जो फोकल लेंथ है तो वो 35mm लेंस के तरह, मतलब ज़्यादा है थोड़ा, ठीक है। और दोस्तों, इसका जो कैमरा है वो है 10MP कैमरा, और यहाँ पे देखिए इसका मॉडल नंबर HCV180। और दोस्तों, ये है इसका फ्रंट साइड, ये है इसका लेंस ओपन और क्लोज करने के लिए, यहाँ पे इसका हैंडल, और दोस्तों यहाँ पे है देखिए कुछ टेक्सचर किया हुआ है, जिससे कि अगर आप कंटिन्यूसली इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपका हाथ में कोई पसीना नहीं होता है। और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, तो इसे अभी बंद कर देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग बटन, ये है इसका बैटरी, इसका बैटरी को खोलने के लिए यहाँ पे एक लॉक है, तो इस लॉक को अगर आप नीचे की तरफ करते हैं ऐसे, तो बैटरी को आप थोड़ा अपने तरफ ऐसे प्रेशर दीजिए, तो ये फिर बाहर आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसे अब सेट करने के लिए आपको सेम ऐसा इस तरह करके आपको यहाँ पे थोड़ा प्रेशर दे देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए बैटरी को मैंने सेट कर दिया। और दोस्तों, यहाँ पे नीचे की तरफ HD कार्ड लगाने का यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ पे मैंने कार्ड पहले से लगा के रखा हुआ है। और नीचे यहाँ पे आपको मिलता है ट्राइपॉड सॉकेट, ठीक है। तो ये थोड़ा इधर होने से बेटर रहता, क्योंकि यहाँ पे सामने की तरफ है, तो जिससे थोड़ा बैलेंसिंग का प्रॉब्लम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो अब इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे है नीचे दोस्तों माइक्रोफोन, 2-चैनल माइक्रोफोन है इसमें। और दोस्तों, इसका जो माइक्रोफोन का जो मेन फीचर ये है कि इसमें आपको जूम माइक्रोफोन मिलता है, यानी सपोज़ कि आपका
ऑब्जेक्ट है अगर वो 60-70 फीट का डिस्टेंस में भी है और अगर आप जूम करते हैं तो उस वक्त इसका माइक्रोफोन ऑटोमेटिकली जूम मोड पे माइक्रोफोन चला जाता है और फिर डिस्टेंस का जो ऑडियो है वो माइक्रोफोन जो है वो कैप्चर कर लेता है अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है इसका फोटो क्लिक करने के बटन और ये है इसका जूम इन जूम आउट बटन। ठीक है, अब इसका ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है यूएसबी पोर्ट, यहाँ पे एचडीएमआई पोर्ट, ये है इसका पावर बटन, यहाँ पे ऐसे दो बटन दिया हुआ है और ये है एवी, यहाँ पे एवी पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे एक स्पीकर है जिससे कि आपका वीडियो का साउंड प्ले होता है। इसका स्क्रीन जो है आप ऐसे घुमा सकते हैं किसी भी एंगल में। ठीक है, देखिए इस तरह का आप इसे घुमा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपको इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए अगर मैं इसको दबाता हूँ तो यहाँ पे देखिए रेड बटन, रेड लाइट यहाँ पे जल रहा है, यानी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ, तो ये स्टॉप हो गया। ठीक है, तो फिर से आप इसको रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए तो फिर ये रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया फिलहाल। अब इसका मेनू देख लेते हैं थोड़ा सा। और दोस्तों लेकिन एक बात है कि इसमें जो है इसका टच स्क्रीन कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, मतलब कि टच स्क्रीन मीडियम है, कभी कभी आपको गुस्सा आएगा जब काम नहीं करता है, तो मतलब ज़्यादा रेस्पॉन्सिव नहीं है टच स्क्रीन इसका। तो चलिए अब इसका मेनू देख लेते हैं। अगर मेनू में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड सेटअप, नॉर्मल सेटअप। तो रिकॉर्ड सेटअप पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए जूम मोड, OIS, REC रिकॉर्ड फॉर्मेट और रिकॉर्ड मोड। तो जूम मोड में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आई जूम ऑफ 90x, 150x, डी जूम और डी जूम में 500x, ये सब आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे बैक करते हैं, बैक के बाद यहाँ पे OIS एक्टिव रिकॉर्ड फॉर्मेट। यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग मोड है तीन तरह का, MP4 में है 1080p, 720 और यहाँ पे आई फ्रेम MP4। और तो बस यहाँ पे डाउन एरो देखते हैं क्या है नीचे। तो नीचे यहाँ पे है फेस फ्रेमिंग, प्री रिकॉर्डिंग, हाइब्रिड OIS, फेड, ये सब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। फेड कलर, गाइड लेंस, लेवल गॉज, AGS, बैकलाइट कॉम्पेंसेशन, फिर टेली मैक्रो, इसमें आपको मैक्रो लेंस का इफेक्ट अब तो मतलब कि मैक्रो लेंस का इफेक्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे थोड़ा सा। डेली मैक्रो ऑन, तो इसे आप ऑन कर लेंगे। जब आपको मैक्रो शॉट लेना होता है तो आप इसे ऑन कर लेंगे। और बैकलाइट कंडेंसेशन शूटिंग मोड, माइक सेटअप, माइक लेवल ऑटो, यहाँ पे माइक लेवल जो है सेट, यहाँ पे सेट करने का है और यहाँ पे ऑटो है, माइक लेवल ऑटो सेट। यहाँ पे दो तरह का है, दो तीन तरह का यहाँ पे ऑप्शन है। तो अब यहाँ से बाहर चले जाते हैं, आई बटन पे क्या है, आई बटन पे तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ से बैक कर जाते हैं। अब यहाँ पे सेटअप में जाते हैं, तो सेटअप में जाते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले, क्लॉक सेट, सेट वर्ल्ड टाइम, लिंक क्लॉक टू समर टाइम, और नीचे यहाँ पे डेट एंड टाइम, डेट फॉर्मेट, जूम रिकॉर्डिंग डिस्प्ले ऑन, OIS लॉक डिस्प्ले ऑन, फिर यहाँ पे एक्स डिस्प्ले, इकोनॉमी AC, अलर्ट साउंड, फिर यहाँ पे सिलेक्ट ऑपरेशन आइकॉन्स, पावर LCD सेट, HDMI रेजोल्यूशन ऑटो, वेयर लिंक, TV एस्पेक्ट 16:9, इनिशियल सेट, ऑटो कर्सर पोजीशन, नंबर रीसेट, फॉर्मेट मीडिया, मीडिया स्टेटस, वर्जन डिस्प्ले, वर्जन अप, डेमो मोड ऑन, OIS डेमो, सॉफ्टवेयर इन्फो, फिर है ऑनलाइन मैनुअल, लैंग्वेज इंग्लिश। तो दोस्तों ये सब जो है ऑप्शन आपको इसमें मिलता है और बस इतना ही है। Thank you.
दोस्तों उसका वीडियो क्वालिटी ठीक है और आप इसे ख़रीद सकते हैं आसानी से, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है इसका। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो है इसका टच स्क्रीन प्रॉब्लम, और बाकी इसमें तो कोई प्रॉब्लम अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। और बस इतना ही था, और बाकी इसका जो फोटो सैंपल दोस्तों, बस आज का इस वीडियो में इतना ही था इस कैमरे का क्विक अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लेटेस्ट और टेक्निकल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। जय भारत, जय हिंद।